हेलो स्टूडेंट्स आज हम लेने जा रहे हैं लेक्चर नंबर टेन लेक्चर नंबर नाइन का ही कॉन्टीन्यूशन uh, में नेक्स्ट पार्ट है पीआई का पार्ट नंबर थ्री और यहाँ पर हम अब पीआई का लास्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं जनरल मेथड इम्पॉर्टेंट मेथड है जनरल मेथड और आज जो इसके क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेने जा रही हूँ जितने भी क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप जरूर करेंगे तो यहाँ पर हम जनरल मेथड कब अप्लाई करेंगे हमने इससे पहले वीडियोस में जो भी हमने केस पढ़े थे लेक्चर नंबर एट के वीडियो के अंदर जो हमने पीआई e. के केसेस पढ़े थे वहाँ हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था ई रेस्टू दावर ए एक्स प्लस बी वाई और सेकंड केस डिस्कस किया था साइन या कॉस का फंक्शन साइन या कॉस लेक्चर नंबर नाइन के अंदर हमने पढ़ा कि राइट हैंड साइड हमारे पास एक्स की पावर एम या वाई की पावर एम हो या नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा कि फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई हो और अगर इनमें से कोई भी केस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्वेश्चन को जनरल पर ट्रांसफर करेंगे मीनिंग कोई भी फंक्शन रखा हो एक्स वाई का और आपसे पी आई निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो इस मेथड को ध्यान से समझिएगा और जितने क्वेश्चन इस वीडियो में लिए जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अब देखिए हमारे पास जब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमने वन अपॉन एफ डी डी डैश हमने पी आई में पढ़ा है कि पी आई का हम एक फॉर्मुला लिखते हैं वन अपॉन एफ डी डी डैश राइट हैंड साइड फंक्शन कोई भी हो पाई एक्स वाई एनी फंक्शन हमारे पास हो तो ये जो एफ डी डी डैश है इसके आपको क्या करने हैं इसके आपको लीनियर फैक्टर करना है मतलब एफ डी डी डैश की जो भी इक्वेशन दी हो उसको फैक्टराइज कर लो मान लिया एक फैक्टर आ गया डी माइनस एम डी डैश लीनियर फैक्टर है और फाइ एक्स वाई कोई भी फंक्शन रखा हो आप एक इंटीग्रेशन लगाइए अब इंटीग्रेशन किसका का एक्स वाई का अब यहाँ हम सिंगल इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग कि पूरा का पूरा फाइव किसी एक वेरिएबल में हो तो हम क्या करेंगे एक्स को तो हम एज इट इज रखेंगे वाई की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे अब यहाँ पर हम वाई की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे हम वाई को रिप्लेस करके चलेंगे वाई इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स तो जहां पर भी आपके पास वाई है तो y को रिप्लेस कर लेंगे c माइनस एम एक्स से अब ये m कहां से मिलेगा m आपको यहां से मिलेगा तो फैक्टर आपके पास क्या होगा d माइनस एम डी डैश तो इस पूरे फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग जहां पर भी y रखा है उस y की जगह रख दो c माइनस एम एक्स आप क्या देखेंगे पूरा का पूरा x में कन्वर्ट हो गया देन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x आंसर आपको मिल जाएगा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से करना सीखिएगा और जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं और वो सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर स डी डी डैश माइनस का सिक्स डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू वाई साइन एक्स और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2011 12 इलेवन इन सारे इयर्स और इसके बाद के इयर्स में भी पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से कैसे काम करेंगे सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो इसका आंसर होगा सी एफ प्लस पी आई तो सी एफ निकालने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है हमें रिक्वायर्ड है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं डी को एम से और डी डैश को वन से रिप्लेस कर लेते हैं तो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई एम स्क्वायर प्लस एम माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो इसके फैक्टर कर लेते हैं तो फैक्टर हमें मिल जाएंगे एम प्लस थ्री एम माइनस टू इक्वल्स टू जीरो तो यहां से आपको m की वैल्यू मिल गई माइनस का थ्री एंड टू ये आ गया m की वैल्यू अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप इसका सी एफ लिखें तो सी एफ बनता है f1 वन वाई माइनस का थ्री एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस टू एक्स ये आ गया सी एफ तो अभी तक जिसने भी सी एफ निकालना नहीं सीखा है वो लेक्चर नंबर सेवन का वीडियो देखें और सी एफ निकालना सीखे क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब हम आते हैं इसके पीआई पर पीआई पर सबसे पहले पीआई का फॉर्मुला लिखते हैं तो पीआई इक्वल्स टू वन अपॉन अब क्वेश्चन में देखिए डी ऑपरेटर में क्या इक्वेशन है डी ऑपरेटर में इक्वेशन है डी स्क्वायर सिक्स डी डैश स्क्वायर इंटू वाई साइन एक्स अब देखिए वाई साइन एक्स कोई भी केस नहीं है हमारे पास फर्स्ट केस एक्सपोनेंशियल था दूसरा केस साइन या कॉस था नेक्स्ट केस जो आपके पास था एक्स की पावर N, y की पावर N था और फिर फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई था अब वाई साइन एक्स हमारे पास हमने ऐसा कोई केस इससे पहले नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन जो हमारा जाता है ये क्वेश्चन जाता है हमारे पास जनरल मेथड पर अब जनरल मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बताया कि इसके लीनियर फैक्टर करने हैं तो हम इसके लीनियर फैक्टर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखिए आपके पास जो इक्वेशन है वो है डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस का सिक्स डी डैश स्क्वायर इसके फैक्टर कर लीजिए तो फैक्टर आप चाहे तो इसे ध्यान से देखें यहाँ मैंने m में फैक्टर किए हुए हैं आप इसकी हेल्प से इसके फैक्टर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो हम रिप्लेस करते हैं d को m से और d को वन से अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट फैक्टर मेरे पास एम प्लस 3 है स्पॉन्डिंग फैक्टर में लिख सकती हूँ डायरेक्टली लिख लीजिए डी प्लस थ्री डी डैश और सेकेंड फैक्टर मेरे पास आ गया डी माइनस का टू डी डैश या फिर आप डायरेक्टली इसके फैक्टर भी लिख सकते हैं तो ये फैक्टर हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं वन अपॉन डी प्लस थ्री डी डैश एंड डी माइनस का टू डी डैश इंटू वाई साइन एक्स ये हमने फैक्टर कर लिए अब हम एक एक फैक्टर के साथ ऑपरेट करेंगे और डायरेक्शन हमारी होगी दिस डायरेक्शन तो सबसे पहले हम अंदर वाला फैक्टर ले रहे हैं बाहर वाले फैक्टर को हम एज इट इज लिख कर चलते हैं 3d' इस पर हम काम बाद में करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन का इतना पार्ट सॉल्व करते हैं जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ d माइनस का 2d' y sin x पहले इतना पार्ट करते हैं तो इस पार्ट को करने के लिए अब आपको क्या करना है इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करते हुए बस y की वैल्यू रिप्लेस करनी है फैक्टर को को ध्यान से देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे ये लगा है, मैंने इंटीग्रेशन का साइन अब इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हैं तो इस फैक्टर को देखें ये फैक्टर है मेरे पास d माइनस का 2d डी डैश अभी आपको बताया कि हम y को किससे रिप्लेस करते हैं y को रिप्लेस करते हैं c माइनस एम से इससे रिप्लेस करेंगे तो यहां देखिए जब d माइनस टू डी डैश लिखा है तो m की वैल्यू क्या मिली थी आपको m की वैल्यू मिली थी टू तो मैं किससे रिप्लेस कर दू मैंने इंटू साइन एक्स डी एक्स अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब आप करते हैं तो किस तरह से करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करते हैं किसकी हेल्प से ट की हेल्प से फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड फंक्शन जब आप सेलेक्ट कर लें तो आप इंटीग्रेशन कोलेशन यही हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आईलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रिक फिर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेकेंड यह आ गया फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लगाते हैं इस पर अप्लाई करते हैं सो डी प्लस थ्री डी डैश क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि आगे जितने क्वेश्चन हैं इसके इंपॉर्टेंट हैं और सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस का टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स अब देखिए ये माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस सो वन अपॉन डी प्लस थ्री डी डैश ये आ गए आप c माइनस टू एक्स अब देखिए c माइनस टू एक्स क्या था c माइनस टू एक्स था y तो c माइनस टू एक्स के प्लेस पे मैं रिपुट करने जा रही हूँ y माइनस साइन बाहर कर दिया माइनस का y cos x आ गया अब देखिए इंटीग्रेशन किसका रह गया इंटीग्रेशन रह गया ओनली cos x का और cos x का इंटीग्रेशन आ गया sin x वैल्यू आ गई मेरे पास जब मैंने इसको ऑपरेट किया d माइनस टू डी डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग अब क्वेश्चन के अंदर एक ऑपरेटर बचा है जो बाहर रखा है ये ऑपरेटर है डी प्लस थ्री डी डैश तो देखिए डी प्लस थ्री डी डैश इस ऑपरेटर पर आप काम कर रहे हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए आपने m की वैल्यू क्या निकाली थी m की वैल्यू निकाली थी माइनस थ्री और आपको बताया है कि हम क्या वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं हम वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं y y c minus mx, तो c minus m minus x, तो c 3x, तो 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 की वैल्यू ये आ गया पर भी y रखा है वहां c plus 3x कर ले और इंटीग्रेशन का साइन तो करते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अप्लाई ये लगा इंटीग्रेशन का साइन माइनस बाहर y के कॉरेस्पॉन्डिंग c प्लस थ्री एक्स dx माइनस टू अब इसमें वाई है ही नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स अब इंटीग्रेशन के लिए ये फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन सो इंटीग्रेशन बाई पार्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट करिएट इज सी प्लस थ्री एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज थ्री इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स डी एक्स गया फर्स्ट पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस का टू अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस टू कॉस एक्स यहां तक आ गए दिस इज इक्वल्स टू अब देखिए सी प्लस थ्री एक्स क्या पुट किया हुआ है सी प्लस थ्री एक्स है वाई तो यहां रख लेते हैं माइनस का साइन ये रहा वाई साइन एक्स ये पुट कर दिया मैंने वैल्यू माइनस का थ्री अब यहां पर आते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स और माइनस माइनस हो गया प्लस का माइनस और ये प्लस का टू कॉस एक्स सिंप्लीफाई करके लिख लो आंसर मिल जाएगा माइनस का वाई साइन एक्स माइनस का थ्री कॉस एक्स एंड प्लस का टू कॉस एक्स सो पी आई की वैल्यू पी आई की वैल्यू आ गई माइनस का वाई साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स ये वैल्यू आ गई और कंप्लीट आंसर कैसे लिखेंगे Z Cf Pi. तो हमने सी एफ निकाला था सी एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी सी एफ हमने निकाला था y माइनस थ्री एक्स एंड प्लस टू एक्स तो यहां हम सी एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं एफ वन वाई माइनस का थ्री एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस का टू एक्स और पी आई हमें क्या मिल गया इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस का वाई साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स ये फाइनल आंसर आ गया दिस इज इक्वल्स टू जेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा बहुत बार रिपीट हो चुका है और इसी के सिमिलर इसी के सिमिलर इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करिएगा आप ये टॉपिक जब प्रिपेयर कर रहे हैं मैंने अभी क्वेश्चन आपको क्या कराया मैंने क्वेश्चन आपको कराया है क्वेश्चन लिया है मैंने डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस सिक्स डी डैश स्क्वायर ये क्वेश्चन लिया मैंने डी स्क्वायर प्लस का डी डी डैश माइनस का सिक्स डी डैश स्क्वायर इंटू जेड मैंने क्वेश्चन आपको कराया राइट हैंड साइड मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में वाई साइन एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम क्वेश्चन को वाई कॉस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे अपने आप करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन या तो वाई साइन एक्स या वाई कॉस एक्स सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बताने जा रही हूँ यहाँ से आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश माइनस का टू डी डैश स्क्वायर इन टू जेड और इस बार राइट हैंड साइड रखा है वाई माइनस का वन ई रेस टू दी पावर एक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए दोनों तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो यहां से ये यह टॉपिक यहां कंप्लीट होता है सी एफ एंड पी आई का जिसमें पी आई के लास्ट केस में मैंने आपको तीन क्वेश्चन बताए हैं एक मैंने करके दिखाया बाकी दो मैं आपसे कह रही हूं ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई थिंक जनरल केस क्लियर हुआ होगा थैंक यू